जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्रष्मणि परम पूज्य गुरु जी महाराज, सभी प्रेमीजन, आप यहाँ पर रहते हो, जिस देश को अपना देश कहते हो, यह आपका देश नहीं। विदेश जिसको कहते हो वो भी अपना नहीं। जितने भी इस धरती पर देश हैं उस पर अपना कोई अधिकार नहीं। जैसे कहते हैं हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, या हमारा मकान है, या हमारा होटल है, लेकिन यह सब वहाँ के जो सरकारें होती हैं उनके अधीन होता है। जब चाहते हैं तो ज़मीन को खाली करा लेते हैं, जब चाहते हैं मकान को खाली करा लेते हैं। इस समय पर देखो, जब महामारी रोग फैला तो बड़े बड़े होटलों को सरकार ने खाली करा लिया। आप समझो कि जिसके गेट के अंदर पैसा जमा करने के बाद ही जाना हो पाता था, उसमें अब जो रोड पर बैठे रहते थे, जो फुटपाथ पर सो जाते थे, उनके रहने की जगह बना दी गई। इसी तरह से इस धरती का मालिक कौन है? उनको काल भगवान कहा गया, ईश्वर कहा गया, उनका है। उनके साथ की जो माया है उनका है। आप ये समझो कि सूरज की डोर उन्हीं के हाथ में, जीवात्मा की डोर काल भगवान के हाथ में। जब माँ के पेट में जीवात्मा डाली गई, उसी समय शरीर के भी मालिक वही हो गए, और माया को भी इसी के साथ लगा दिया। आप ये समझो जो माँ रूपी माया है उसी के ताकत से पेट में अन्नपिंड बढ़ा, उसी के असर से। यानी समझो कि आदमी का दिल दिमाग बुद्धि सही रही, हाथ पैर सही से बन पाए। जो माताएं इनके पेट में बच्चा रहता है, खान पान सही रखती हैं, चाल चलन सही रखती हैं, पूजा पाठ इबादत करती रहती हैं, खुदा भगवान पर विश्वास यकीन रहता है, भजन सुमिरन करती रहती हैं, धार्मिक भावना इनके अंदर रहती है, ईश्वर वारिता खुदा परस्ती रहती है, उनके बच्चे देखो नेक अच्छे पैदा हो जाते हैं, उन्हें तो लूले लंगड़े पैदा हो जाते, बुद्धिहीन पैदा हो जाते हैं। एक ही माँ के दो बेटा, कहते हैं ये बड़ा वाला बड़ा बुद्धिमान है और दूसरा वाला का दिमाग ही नहीं काम करता है, ये तो मूर्ख हमारे घर में पैदा हो गया। तो अब आप ये समझो कि पेट में ही अनि समझो माया का साथ हो गया, बाहर निकले तो फिर वही माँ रूपी माया, बहन रूपी माया आ गई,
पत्नी रूप में माँ आ गई। आप समझो जब तक कब्र पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक माया साथ नहीं छोड़ती है। तो एक माया तो यह है, माया के कई रूप हैं, एक माया तो यह है और एक माया है रुपया पैसा, उसमें भी क्वालिटी है। देखो इंडिया का रुपया अलग है, आप समझो अमेरिका का अलग है, इंग्लैंड का अलग है, आप समझो कि यानी चाइना का अलग है, अलग अलग रुपया हैं, उनकी वैल्यू अलग अलग है। नेपाल के रुपये की वैल्यू कम है, अमेरिका के रुपया जिसको डॉलर कहते हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप तो समझो वहाँ का एक डॉलर एक रुपया और यहाँ का आप समझो 70-75 रुपया, तो इसका भी माया का भी रूप अलग है और यह मनुष्य के साथ लगा हुआ है। आप तो समझो कि जितने भी लोग इस धरती पर आए, चाहे वो महापुरुष रहे हों, चाहे समाज सुधारक रहे हों, आप ये समझो कि सबके साथ ही लगा रहा। यह माया जड़ और चेतन, जड़ किसको कहते हैं, रुपया पैसा हीरा मोती जवाहरात को जड़ कहते हैं, और माया इनको औरतों को किसी भी रूप में वो रहे तो बराबर ये साथ रहते हैं। अब ये जोर करते रहते हैं, समय परिस्थिति के अनुसार ये अपना असर जताते हैं। जैसे ये शरीर है तो शरीर के ऊपर गर्मी ठंडी का असर पड़ जाता है, जैसा होता है असर पड़ता है, ऐसे ही इनका भी असर पड़ता है, जोर पड़ता है। चेता में देखो कृष्ण आए थे, कृष्ण कहाँ से आए, ब्रह्मलोक से आए, त्रिकुटी धाम से भेजे गए थे। जब अत्याचार पापाचार दुराचार कम था त्रेता में, तो आप ये समझो कि 12 कला लेकर के यानी राम आए थे, और जब बढ़ा द्वापर में तब 16 कला लेकर के कृष्ण को आना पड़ा। अब आप समझो लेकिन दोनों में दोनों धार रही, काल धार रही और दयाल धार रही। आप ये समझो काल का रंग कैसा है, काला है काल का रंग। अब आप समझो कि सांवला जिसको कहते हो, ऐसे ही देखो राम का भी रंग था, असर होता है। क्योंकि इनका दोनों का देश का बॉर्डर है, तो वहाँ पर बॉर्डर पर एक जैसा ही रूप रंग होता है। आप देखो इधर कर्नाटक है, गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ, ये चमड़ियाँ झुलस जाती हैं, शरीर काला पड़ जाता है, तो ज़्यादातर लोग काले होते हैं। महाराष्ट्र का जो बॉर्डर से छूटा हुआ हिस्सा है कर्नाटक के, उधर के भी लोग काले होते, असर होता। ऐसे दोनों एक ही तरह के थे, ये भी ऐसे ही थे। तो अब आप ये समझो कि आए थे कृष्ण, आए तो कृष्ण किस लिए आए, ये किस लिए भेजे जाते हैं। काल तो ये नहीं चाहता है कि जीव निकल करके जाए, लेकिन कर्म जब खराब होने लगते हैं तब घबराता है कि कहीं ऐसा ना हो सब नरक में ही चले जाएं। संत जब आते हैं निकालने के लिए तब भी वो घबराता है कहीं सब वहीं न चले जाएं। तो बीच बीच में अपना असर जताता रहता है। जब देखता है काल कि बहुत कर्म खराब होने लग गए, नरकों में ही जाने लग गए, तब यानी बचत के लिए कि नरक ही में न सब चले जाएं, जो लोगों के खान पान चाल चलन को खराब करते हैं यानी नरक जाने का काम करते हैं, उन्हीं को हटाने के लिए यानी वो भेज दिया करता है। तो आप समझो त्रेता में भी ऐसे ही हुआ, द्वापर में भी ऐसे हुआ। आप ये समझो कि उनके साथी कौन थे, कृष्ण के साथी आप ये समझो अर्जुन रहे। दोनों में बड़ा प्रेम था, दोस्ती थी, लोग अब भी कहते हैं मित्रवत व्यवहार था। तो
आप प्रश्न लोग उनको समझाया करते थे, कृष्ण उपदेश दिया करते थे, लेकिन बाहर से आंठ मांस के शरीर में महापुरुषों की पहचान नहीं होती है, तो जल्दी विश्वास न हो। एक दिन कहे, देखो अर्जुन, माया का बड़ा जोर है और माया साथ लगी हुई है, यहीं पर हमारे भी पास है, तो हमारी माया को तुम आने समझो कि समझ नहीं सकते हो, इसलिए बड़े होशियारी से काम करना है, होशियार रहना है। बोले, प्रभु माया क्या करेगी, आप हो तो प्रभु माया क्या करेगी हमारी। कहते तो थे, लेकिन अंदर से उनको विश्वास नहीं था कि अब प्रभु। बहुत से लोग तो प्रभु प्रभु कहने लगते हैं, हाँ जी करने लगते हैं, तो देखा देखी भी लोग करते हैं। जिनको अंदर से पहचान हो जाती है उनको तो विश्वास हो जाता है, उन्हें तो बाहर से ऐसे भी लोग कहते कहते भी कहने लग जाते हैं। डॉक्टर नहीं भी रहता है, डॉक्टर लोग कहने लगते हैं तो डॉक्टर नाम पड़ जाता है। वकील नहीं भी रहता है तो वकील कहने लगते, वकील नाम पड़ जाता है, ऐसे ही। तो अब आप समझो कि उन्होंने कहा कि अन्य समय लोग को तुम समझ नहीं सकते हो। बोले, प्रभु आप हो तो कुछ नहीं। अरे बोले, माया का जब जोर होगा तो तुम हमको भी भूल जाओगे। अरे बोले, कैसी बात आप कर रहे हो। सूरज पूरब से पश्चिम निकलने लगे, धरती आसमान में चले जाए, आसमान नीचे आ जाए, तो भी हमको अनुसंधो आपकी बात पर विश्वास नहीं है कि हम आपको भूल जाएंगे, आप हम कहाँ भूल सकते हैं। बोले, अच्छा। जब कुछ दिन बीता तो अर्जुन श्री कृष्ण ने कहा कि चलो घूम जाओ। बोले, चलिए। रथ निकाला और बैठ करके दोनों लोग गए जंगल की तरफ। जंगल में एक नदी थी, तो नदी पर वहाँ पर्व लगा हुआ था। पर्व कब लगता है? अमावस्या पूर्णिमा के दिन पर्व लगता है। सूर्य चंद्रमा की किरणें जब उस जल पर पड़ती हैं तो उसमें शरीर को स्वस्थ करने के तत्व पैदा होते हैं, शरीर की सफाई ठीक से हो जाती है। आप ये समझो कि शरीर की सफाई हो जाती है, अंतरात्मा की सफाई नहीं होती, लेकिन शरीर की सफाई हो जाती है। तो वहाँ पर्व लगा था, लोग नहा रहे थे, तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि नहा लिया जाए। बोले, नहा लिया जाए प्रभु। तो कहा कि कौन नहाएगा पहले? बोले, जैसा आप कहो। बोले, अर्जुन तुम ही नहा लो। तो कृष्ण वहीं खड़े और अर्जुन गए नहाने के लिए। डुबकी लगाए तो जब निकले डुबकी लगा करके, तो देख रहे हैं कि न कहीं मेला है, न कहीं आदमी है और न कहीं कृष्ण हैं। कहाँ चले गए कृष्ण, कहाँ चले गए? निकले और जंगल में कृष्ण कृष्ण आवाज़ लगाने लगे। अब बात तो समझो शाम होने का समय हो गया, परेशान हो गए। बोले, अब क्या करें, कहाँ जाएं? भटक गए उसने जंगल में। एक रास्ता दिखाई पड़ा, पगडंडी जिसको कहते हैं, पैदल जिस पर लोग चलते हैं, उसी पगडंडी रास्ते को पकड़ करके जंगल से बाहर निकल गए। सामने एक गांव दिखा, तब तक अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी। वहाँ चिराग जल रहा था, रोशनी दिखाई पड़ी, आज की तरह से लाइट तो थी नहीं। तो रोशनी देखते देखते, रोशनी कहीं भी हो चाहे छोटी चाहे बड़ी, दूर से अंधेरे में से ही दिख जाती है। उसी रोशनी को देखते देखते पहुंच गए तो वहाँ महाभारत की कथा हो रही थी, वर्णन कर रहे थे पुण्य जी विद्वान जो थे, अर्जुन की व्याख्या हो रही थी। अर्जुन अपनी तारीफ सुन करके बहुत खुश हुए और बोले, हाँ, मैंने मारा, मैंने ऐसा किया, मैं अर्जुन हूँ। लोगों ने कहा, ये अर्जुन है, मारो, ये कहाँ से अर्जुन आ गया? और बोले, सोचे कि अब तो हम पिट जाएंगे। बोले, नहीं, वो तो मैं आवेश में आकर के बोल दिया, जोश में आके बोल दिया, मैं अर्जुन नहीं।
बोले फिर तुम कौन हो? तो कहा परदेशी, परदेशी हूँ। तो ठीक है, हाँ ऐसा बोलो कि हम परदेशी हैं। ये तुम क्यों कहते हो कि हम अर्जुन हैं? तो बोले कि ठीक है, बैठे रहे सुनते रहे, सब लोग उठकर चले गए। अब ये बैठे रहे, कहाँ जाएं क्या करें? जिसके घर पर महाभारत की कथा हो रही थी उसने पूछा, भाई आप कहाँ के हो, कहाँ जाओगे? बोले हम कहाँ जाएंगे, कहाँ के हैं कुछ हमको पता नहीं। घबराए हुए थे, तो घर वालों ने कहा घबराया हुआ है तो इसको कुछ खिला दो और सुला दो, सुबह पूछा जाएगा कहाँ जाएगा क्या है। खिला करके सुला दिया। सुबह जब उठे तो अन्य समय लोग पूछा, लोगों ने बोले हम तो ऐसे भटक रहे हैं, ऐसे भटक करके आ गए। बोले ठीक है, भटक गए हो तो यहीं रहो। अब सुबह जब उठते थे तो तुरंत झाड़ू लगाना, तुरंत जानवरों का गोबर उठाना, तुरंत उनको चारा और ये वो जो कुछ भी काम था उस गृहस्थ के यहाँ उसको करने लगते थे। शरीर से भी तंदुरुस्त थे, गोरे चिट्टे थे, सुंदर शरीर था। तो उस गांव में काफ़ी पैसे वाले आदमी थे, खेती जमीन जायदाद काफ़ी थी, मुखिया गांव के थे। तो उन्होंने यह संकल्प बना रखा था कि जो वीर बहादुर बुद्धिमान होगा उसी से अपनी लड़के की शादी करेंगे। तो उन्होंने जब इनको देखा तो कहा है तो ये जवान होनहार है, सेवा भावी है, तंदुरुस्त भी है, सुंदर भी है, तो लाओ इसी से शादी कर लें, हमारे पास कोई कमी तो है नहीं, 10-20 गांव की जमीन जायदाद दे देंगे, करेगा खाएगा रहेगा। तो शादी इनकी कर दिया, शादी कर दिया तो बच्चे कच्चे हो गए, कई हो गए। कुछ दिन तक वहाँ रहे, फिर वही समय आया मेले का। मेला साल में एक बार लगता था, तो औरत ने कहा चलो मेला घूम आवें, चलो वहाँ स्नान कर आवें पर में नदी में। बोले चलो, तो बैलगाड़ी का साधन उस समय हुआ करता था, ट्रेन बस मोटर कारें नहीं थी। तो बैलगाड़ी सजाया, बैलों को की सजावट किया और फिर बैलगाड़ी पर बैठे, औरत बच्चों को लेकर के गए और वहीं उसी नदी में स्नान करने के लिए अंदर घुसे। तो स्नान करके नहा करके जब निकले तो न तो बैलगाड़ी है, न बैल है, न बच्चे हैं, न औरत है, कृष्ण का रथ खड़ा है और कृष्ण खड़े हुए मुस्करा रहे हैं। तो जब देखा हमारे बच्चे नहीं हैं, औरत नहीं है, बैलगाड़ी नहीं है, तो लगे खोजने, आवाज़ लगाने। अब वहाँ पर अगर उनको दिखाई पड़े तब तो विश्वास हो कहाँ गए क्या हुआ। कृष्ण ने कहा अरे अर्जुन तुम हमको भूल गए, मैं देखो यहाँ खड़ा हूँ और तुम कहाँ खोज रहे हो बीबी बच्चों। हाय मेरी बीबी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी बैलगाड़ी, कहाँ चले गए बगैर रोने। जब रोने लगे कृष्ण ने पकड़ करके एक थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा और माया का पर्दा हटा तब ये कृष्ण को पहचान पाए कि ये तो हमारे सखा हैं, कृष्ण हैं, जिनको लोग भगवान कहते हैं, ये वो हैं। अब आप ये समझो इस तरह से माया का पर्दा लग जाता है, और माया का पर्दा जब लग जाता है तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कहा गया कि बड़े होशियारी से इस दुनिया में रहना है, नहीं तो तनिक देर में थक जाओगे और महापुरुषों की बातों को भी भूल जाओगे। आप ये समझो या तो अंतर में पहचान हो जाए तब उनकी बातें याद रहती हैं, और नहीं तो जब माया का पर्दा पड़ा रहता है तब पहचान में नहीं आते हैं। और आदमी का जो कर्तव्य है, फर्ज है, ड्यूटी है, जिस काम के लिए मनुष्य शरीर दिया गया उस काम से अलग हो जाता है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, दूसरे काम में लग जाता है। जब वही
कृष्ण इनका पर्दा हटाए, सब पूरा विश्वास हुआ अर्जुन को। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन उठाओ गांडीव, उठाओ धनुष, चलो मैदान में, अब लड़ाई का समय आ गया, अब ये मानने वाले नहीं हैं, अब लड़ाई करनी ही पड़ेगी इनका नाश करने के लिए। तब अर्जुन ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, पाप लगेगा, यहाँ सब मेरे काका नाचा नाना मामा खड़े हैं, इनको मार करके मैं अधोगति नहीं प्राप्त करूँगा। आप ये समझो, मानव की हत्या बहुत बड़ी हत्या मानी जाती है। आप ये समझो, मनुष्य शरीर भजन पूजन इबादत के लिए दिया गया, इसको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहा गया, और इसको अगर कोई गिरा देता है तो आप ये समझो उसको पाप लगता है। कहते ना, मंदिर मस्जिद मत तोड़ो, पूजा स्थान को ख़त्म मत करो, कहते हैं गुरुद्वारे को मत गिराओ, बल्कि यहाँ तक कहते हैं इसको आप पवित्र मत करो, इसके अंदर गंदगी मत रखो, आप मिट्टी और पत्थर के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को आप गिराने में समझो लोग कहते हैं पाप लगता है, कर्म बनते हैं, ये तो मानव मंदिर है, तो भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, इसी में वो मालिक मिलता है। अब आप ये समझो, ये ज़रूर है कि जब जानकार मिल जाते हैं तब आप समझो कि वो दिखाई पड़ जाता है, मिल जाता है, और नहीं तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि अंतर में सूझत नहीं, घट ही में सूझत नहीं, लानत ऐसे बिंद, और स्वामी या संसार को भयो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है? मोतियाबिंद में पर्दा पड़ जाता है, पर्दा पड़ जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता है, जब हल्का पर्दा रहता है तो धुंधला देखता है, जब मोटा पर्दा हो जाता है तो आँख से देखना ही बंद हो जाता है। ऐसे माया के देश में है, तो माया का पर्दा जब पड़ जाता है तब दिखाई नहीं पड़ता है, उसको हटाने का यानी उसको वश में करने का अगर समर्थ गुरु में जाए तरीका बता दें तो इसी घट में दर्शन होता है, इसी घट में अपना घर अपना वतन दिखाई पड़ता है, घट में घर दिखलाए जैसे सदगुरु परम सुजान का हो, यानी वो घर जहाँ से आप आए हो, अपना देश जहाँ से आप आए हो तो दिखाई पड़ने लगता है, पिता का दर्शन होने लगता है, सतपुरुष का दर्शन होने लगता है। तो जब कहा उठाओ गांधी, चलो मैदान में, अब लड़ाई का समय आ गया, तो उन्होंने कहा ना, काका चाचा नाना मामा खड़े हैं सब, इनको मार करके मैं अधोगति नहीं प्राप्त करूँगा, नरक नहीं जाऊँगा। बोले, अरे अर्जुन, तुम अभी हमको पहचान नहीं पाए, बैठो, अच्छा हम पहचान कराते हैं। बैठाया और कहा, बंद करो आँख। आँख बंद किया, फिर जब ठोंका यहीं पर ऐसे और पर्दा हटा, आप ये समझो कि दसवां द्वार पर जो वज्र की मणि लगी हुई है वो जब हटी तीसरे तिल की जीवात्मा, यानी जब ये ऊपर आगे की तरफ बढ़ी, तब उन्होंने देखा कि सब के सब मरे पड़े हुए हैं। महाभारत तो पहले ही हो गया, देखा कि चक्र सुदर्शन कृष्ण का सब का सिर काटे दे रहा है, सब पड़ गए, जितने वीर थे बहादुर थे योद्धा थे कोई नहीं बचे। तो जब देखा अंदर में, महाभारत तो पहले ही हो गया, हमको केवल निमित्त बनना है, तब उन्होंने गांधी उठाया और आंख बंद करके एक तरफ से तीर छोड़ते गए और महाभारत खत्म हो गया। आप ये समझो, जब महाभारत खत्म हो गया तब भीम नकुल सहदेव को अहंकार हो गया, मैंने मारा, मैंने मारा, मैंने मारा, मैंने वीरता दिखाई, मैंने किया। कृष्ण ने कहा, भाई मारा किसने, वो तो जो पूरा महाभारत देखा वो बताएगा।
तो बबरी का सिर काट करके वहाँ रखवा दिया था पहाड़ के ऊपर। उसने वरदान मांगा था कि महाभारत में देख लूँ तब मेरे प्राण निकलें। उसके पास ले करके गए, कहा तूने महाभारत देखा? बोला देखा। क्या देखा? देखा चक्र सुदर्शन चल रहा है, बड़े बड़े योद्धाओं का सिर काटता चला जा रहा है। और क्या देखा? महाराज मैंने तो यही देखा, और तो कुछ देखा नहीं। अब आप ये समझो। फिर उसने कहा अपना वरदान मुझसे वापस ले लो। आप अपना वरदान यानी जो दिए थे वापस ले लो। अब मैं जाना चाहता हूँ, मेरा प्राण पूरा हो गया, संकल्प पूरा हो गया। तब इन्होंने कहा तुम्हारा भी संकल्प पूरा हो गया, मेरा भी पूरा हो गया, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। पांडव ने कहा हमको भी लेते चलिए। बोले तुमको नहीं ले जाऊँगा मैं, तुमको किसी त्रिकालदर्शी की ज़रूरत है, संत सदगुरु की ज़रूरत है। उनसे रास्ता ले करके जब तुम भजन पूजन करोगे, योग साधना जब तुम करोगे, तब तुम मेरे धाम पहुँच सकते हो। बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, महाराज लेते चलिए, मैं तो इसी आशा में आपके साथ लगा रहा, जब आप चलेंगे हमको लेते चलेंगे। अब इस उम्र में, बुढ़ापे में योग साधना कैसे हो पाएगी, सदगुरु की खोज कैसे हो पाएगी, लेते चलो। लेकिन दो टूक जवाब उन्होंने दिया, कहो तारीख शक्तियों का काम ये नहीं होता है, उनका काम दुष्टों का संघार, धर्म की स्थापना करने का होता है, सज्जनों की रक्षा करने का होता है, ये काम संत सदगुरु का होता है। और तुम खोजो और जाओ, रास्ता लो और उस रास्ते पर चलो, तब तो तुम पहुंच सकते हो। और नहीं तो आदमी मारने का तुमको पाप लगेगा, नर्क जाना पड़ेगा। आप तो समझो, खोज नहीं पाए, न रास्ता ले पाए, समय उनके शरीर का पूरा हो गया, और वैतरणी नदी में कूद करके गल करके ख़त्म हो गए। अब आप इस बात को समझो कि इतना पेचीदा ये देश है, इतना पेच यहाँ फंसा हुआ है। इसलिए कहा उन्होंने, साहब डाल दिन मुगरा हाले पड़ा, कभी साहब ने कहा हाले ने डोले पसी जय पड़ा, ऐसा गैर फंसा हुआ है कि आप समझो जल्दी छुड़ाए नहीं छूटता है। अगर मैकेनिक ना मिल जाए, मिस्त्री ना मिल जाए, तो गियर छूटता नहीं है गाड़ी का। जो जानकार हैं वो उसको छोड़ा देते हैं, और जो जानकारी जिनको नहीं है वो उनका गियर फंस जाता है तो खड़े रहते हैं। आप देखो पर रोग जब हो जाता है, जानकारी जिसको नहीं होती है कौन सा अन्य दवा देंगे कि जिससे ये ठीक होगा, तो आप तो समझो आदमी परेशान रहता है। सदगुरु वैद जब मिल जाते हैं और वो ये बता देते हैं कि भाई इस तरह से तुमको आने समय जो परमात्मा की प्राप्ति होगी, अपना घर अपना वतन मिलेगा, इस काम के लिए तुम आए, जिस काम के लिए तुम आए हो तो तुम्हारा काम पूरा होगा। खुशी की बात यह है कि आप लोगों को, बहुत से लोगों को आने समय जो सदगुरु मिल गए, गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिले, जो पूरे संत थे, आप समझो पूरी पावर लेकर धरती पर उस मालिक के अन्य आए हुए थे और बराबर शुरू से अपने काम में लगे रहे, बहुत से लोगों का उद्धार किया, आप बहुत से लोग तो उनके शिष्य हो। आप समझो कि उनके जाने के बाद उनके आदेश के अनुसार आपको नामदान दिया गया कुछ लोगों को, तो आप भी उनको कमज़ोर तो मत समझो, क्योंकि गुरु के आदेश से यह काम शुरू किया गया है और उन्हीं का जो मिशन अधूरा था उसको पूरा किया जा रहा है, तो उनकी दया हाथ समझ लो आप पर भी है, आप लोगों पर भी है, जो नए लोग हो उन पर भी है। जो लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए, सत्संग नहीं मिल पाया, उनको नामदान नहीं मिल पाया, समझो दया उन पर भी है गुरु महाराज की। आप आग के करीब जब पहुंचोगे तभी आपको गर्मी का पता चलेगा, बर्फ के ऊपर जब हाथ रखोगे तभी ठंडी का पता चलेगा, दूर दूर से ऐसे क्या पता चलने वाला है। लेकिन अब आपकी इच्छा पैदा करो कि भाई हम
यानी खाने पीने और बच्चा पैदा करने के लिए नहीं आए हैं, हम जिस काम के लिए आए हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए आए हैं, अपने उद्धार कल्याण के लिए आए हैं, जो रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है, उस रास्ते पर चल करके और जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा ले लो। तो आप जब आशा बनाओगे, प्रयास करोगे, उम्मीद रखोगे, सब बात बन जाएगी। हिम्मत बड़ी चीज़ होती है, हिम्मत आदमी अगर करे तो आप ये समझो कि वो सफल हो जाता है। हिम्मत को देख करके यानी समझो कि यानी मदद भी हो जाती है, तो हिम्मत करने की ज़रूरत है। समय तो देखो, यानी ये बदलता रहता है, परिवर्तनशील संसार ही है, समय तो धीरे धीरे यानी समझो खराब होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, धर्म कर्म हटता जा रहा है, इंसान इंसान का प्यार मोहब्बत खत्म होता जा रहा है, इंसान इंसान के खून का प्यासा हो रहा है, भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है, पिता पुत्र का प्रेम खत्म हो जा रहा है। आप ये समझो क्यों हो रहा है, लोगों के खान पान खराब होने की वजह से, शारीकरण खराब होने की वजह से, लोभ लालच यानी बढ़ जाने की वजह से। तो ऐसे खराब समय में यानी समझ लो कि कैसे रहना है, कैसे चलना है, किस तरह व्यवहार करना है, किस तरह से तकलीफ़ों को दूर करना है, उसके लिए बराबर सत्संग सुनते रहना चाहिए। सत्संग से बहुत सारी जानकारी यानी मिल जाया करती है, और सत्संग सुना जाए लेकिन ढूंढा जाए, और जो यानी बातें उसमें मिलें उसको पकड़ा जाए, अमल किया जाए, तब तो उसका फायदा दिखेगा। नहीं तो दवा बहुत कीमती ले आओ, बहुत अच्छा डॉक्टर मिल जाए, लेकिन खाओगे नहीं तो मरीज कैसे जाएगा, तकलीफ कैसे दूर होगी। तो बोलो जय गुरुदेव, yeah।